पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। वो जो थप्पड़ आपने मुझे मारा था ना, पलट के उसका जवाब मैं आपको बिजनेस में दूंगा। वैसे भी तलवार की बराबरी महाजन किसी भी बिजनेस में कर नहीं पाएंगे। And I assure you that I will destroy you and the Mahajans. सारी मुसीबतें आज ही आनी थी और गाड़ी भी बंद वहां हुई है जहां नेटवर्क ही नहीं है। कैब भी कैसे बुलाऊं मैं, ऊपर से इतना लेट हो रहा है ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे। थैंक यू सो मच। मैं गाड़ी आगे ले गया था, मैंने साइड ग्लास में देखा कि आपकी गाड़ी का बोनट खुला हुआ है। मुझे ऐसा लगा कि आप बाकी तकलीफ में हैं। यू नीड सम हेल्प? या अंकल, एक्चुअली माय कार ब्रोक डाउन। अगर आपका फोन मिल जाता, आई जस्ट मेक वन कॉल और मैं कैब बुला लूंगी। मेरे फोन पे नेटवर्क ही नहीं है एंड आई एम गेटिंग रियली रियली लेट फॉर द ऑटो समिट, वो सामने एक्सपो ग्राउंड पे। यू आर वेरी लकी, मैं भी उसी दिशा में जा रहा हूँ। आइए, मैं आपको छोड़ सकता हूँ इफ यू डोंट माइंड। आओ बच्चा। वाओ, थैंक यू सो मच अंकल। चलो ड्राइवर। दैट इज सो काइंड ऑफ यू अंकल, क्योंकि आजकल ऐसे कभी कोई लिफ्ट देता ही नहीं है। वैसे ये बात तो सच है, आज के जमाने में भरोसे की थोड़ी कमी हो गई है, बट एनीवेज सच इज लाइफ। वैसे मैंने एक चीज नोटिस की कि आपकी गाड़ी में कोई ड्राइवर नहीं था, आप गाड़ी खुद चलाती हैं। जी, यू आर राइट। एक्चुअली मैं अपनी गाड़ी खुद चलाती हूँ, मेरे पापा ने मुझे ड्राइविंग सिखाई थी। इनफैक्ट ही मेड श्योर दैट आई लर्न हाउ टू ड्राइव, क्योंकि मेरे पापा का कहना था कि हर एक इंसान को ड्राइविंग जरूर आनी चाहिए, क्योंकि इवेंचुअली हर एक इंसान को अपनी लाइफ की गाड़ी खुद चलानी होती है। दैट्स परफेक्ट, आपके पापा ने बिल्कुल परफेक्ट बात सिखाई है। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, और ऐसे वक्तों में इंसान के पास अगर कुवत हो, हिम्मत हो, हौसला हो, तो अपनी जिंदगी की गाड़ी की मैन्यूवरिंग करेक्ट कर सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने अंकल। इनफैक्ट कभी कभी रुकावटों पर से अपनी गाड़ी निकाल लेनी चाहिए, क्योंकि सही रास्ते पर चलने के लिए कभी कभी लाइफ में ये भी करना जरूरी है। ये भी बात आपके पापा ने आपको सिखाई है? नहीं, ये बात तो मुझे अपने तजुर्बे ने सिखाई। In that case, आपके पापा और आपके तजुर्बे दोनों को सलाम है मेरा। Thank you so much, sir. आराम से ड्राइवर, आराम से, आराम से। इन्हीं को कहते हैं अनवांटेड रुकावटें। बरसात के मौसम में अक्सर सड़कों पे ऐसे छोटे मोटे खड्डे आ जाते हैं, सड़कें थोड़ी खराब हो जाती है। सर, आई एम सॉरी बट कैन वी नॉट ब्लेम द मौसम, क्योंकि मुझे ये बारिश का मौसम ना बहुत पसंद है। ये तो बात बिल्कुल सही कही आपने, बारिश का मौसम हो और साथ में गर्मा गर्म पकौड़े हो। लेकिन अफसोस कि मुझे गर्मा गर्म पकौड़े अपने घर में स्मगल करके ले जाने पड़ते हैं। वैसे आपका जोश देखकर मुझे अपने भांजे की याद आ रही है, कभी मिलाऊंगा आपको पकौड़ों के साथ। वैसे ऑनेस्टली अगर मैं आपको एक बात कहूँ सर, तो आपको देखकर भी मुझे मेरे मेंटोर याद आ रहे हैं। पापा के बाद मैंने जो कुछ भी सीखा है उन्हीं से सीखा है। इनफैक्ट आज उनका गर्व बढ़ाने के लिए जो पहला कदम मैंने उठाया है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट पल है मेरे लिए। क्या है कि हमने नए बिजनेस सेक्टर में एंट्री ली है और समिट उसी के सिलसिले में है, एंड आई एम रियली होपिंग एवरीथिंग गोज वेल फॉर मी। अच्छा ही होगा, आपका जोश और आपका तजुर्बा देखकर मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ। थैंक यू सो मच सर। वैसे आपकी कंपनी का नाम क्या है? We are the Mahajan Group. वैसे मैं आपका नाम पूछना भूल गया। Wow, I didn't even introduce myself. I'm Yuvika Mahajan.
भानु प्रताप महाजन से आपका क्या रिश्ता है? जी, आप जानते हैं उन्हें? वही तो मेरे मेंटोर हैं और मेरे अंकल भी. मैं उनकी नहीं हूँ. आई एम युविका प्रेमराज महाजन. आप देखना, तेरी वंशज युविका प्रेमराज महाजन के रास्ते का रोड़ा बनेगा, मेरे खानदान का वारिस. यश शालिनी तलवार. आपका समिट आ गया है. ड्राइवर, गाड़ी रोको. ड्राइवर, गाड़ी चलाओ. थैंक यू सो मच सर. वैसे आप, अरे मैं तो अंकल से उनका नाम ही पूछना भूल गई. हेलो मिस महाजन, वेलकम. थैंक यू मिस्टर केविल. आप ही का इंतजार कर रहे थे. चलिए पहले रजिस्टर कर लीजिए, समिट थोड़ी देर में शुरू होने वाला है. श्योर, कम कम. हाय. हेलो सर. दिस इज मिस युविका महाजन. ओके. इनका वीवीआईपी पास जल्दी बना के इनको दे रहे. ओके सर. मिस महाजन, यू कंप्लीट द फॉर्मेलिटीज. आई विल सी इन अ शॉर्ट व्हाइल. ऑलराइट, आई विल सी. Hi, just a moment. नहीं, इधर नहीं, दूसरी तरफ जाना था. Buy yourself a new sari. Happy now? वो जो साहब है ना, उन्होंने सब बुकिंग्स कैंसिल की है.
पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।